हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनु आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक DIY होममेड फेस मास्क। जिन लोगों को स्किन में सन टैन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे डार्क स्पॉट वगैरह आ जाते हैं, ये जो मैं मास्क आज आप लोगों को बताने वाली हूँ ये उन लोगों के लिए है। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो मैं ला सकूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तो समर टाइम चल रहा है तो काम की वजह से हम लोग तो बाहर जाते ही है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन में सन टैन का प्रॉब्लम आ जाता है। ऑब्वियसली हम बाहर जाने के टाइम सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, स्कार्फ वगैरह लेके सनग्लास पहन के जाते हैं, फिर भी सन टैन का प्रॉब्लम तो आ ही जाता है। फिर हम लोग परेशान भी हो जाते हैं कि कैसे इसे ठीक करना है। एंड जिन लोगों का फेस पे बहुत सारे डार्क स्पॉट आ जाते हैं वो भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो मैं जो मास्क आप लोगों को बताने वाली हूँ वो एक बहुत ही अच्छा सा मास्क है, आप लोग जरूर ट्राई करना घर पे। एंड जो रिजल्ट आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड ये जो मास्क मैं आज बनाने वाली हूँ उसमें मैं 2 इंग्रेडिएंट्स जो यूज करने वाली हूँ। पहला वाला है एलोवेरा। एलोवेरा आप लोग जानते हो हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। एलोवेरा हमारी सनबर्न की प्रॉब्लम को रिमूव कर देता है, जो फाइन लाइंस होते हैं, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम होता है, रिंकल वगैरह हमारी स्किन पे आ जाते हैं उसे भी ठीक कर देता है। एंड क्या होता है, एलोवेरा एक ठंडा सा जेल है, तो वो क्या होता है जो इन्फेक्शन वगैरह स्किन पे जो एक्नी जो प्रॉब्लम आता है, एक्नी वगैरह हो जाते हैं उसे भी एलोवेरा ठीक कर देते हैं। एंड एलोवेरा क्या होता है, जो हम लोगों का जिन लोगों का बहुत ड्राई स्किन होता है उनके लिए एलोवेरा बेस्ट होता है, क्योंकि एलोवेरा हमारी स्किन को ड्राइनेस को हटा देता है। एंड एलोवेरा लगाने के बाद क्या होता है, स्किन एक अच्छा एक अलग से ग्लो करते हैं, ऑयली ऑयली सा ग्लो वाला लुक आता है, जो ड्राइनेस वाला जो रूखा सा हमारी स्किन है वो ठीक हो जाता है। एंड दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है लेमन। लेमन तो आप लोग जानते हो, लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन की इवन टोन को ठीक रखने में हेल्प करता है। एंड लेमन एक हमारी स्किन में एक एंटीऑक्सीडेंट, एक हाइड्रेटर की तरह काम करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है, स्मूथ करता है। एंड जिन लोग बहुत क्या होता है वो ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम होता है जिन लोगों को, उसके लिए लेमन बेस्ट होता है। लेमन क्या करता है, ओपन पोर्स को घटा देता है एंड स्किन को बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है। एंड ऑब्वियसली हमारी स्किन पर जो डेड सेल होता है उसे भी लेमन हटा देता है। एंड लेमन जिन लोगों का बहुत ऑयली स्किन है, लेमन उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि लेमन हमारी स्किन के जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हटा देता है, तो उसके वजह से हमारी स्किन में जो एक्नी वगैरह होता है वो भी ठीक हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो मास्क बनाने वाली हूँ उसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला जो हमें चाहिए वो है एलोवेरा जेल। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है, आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, जो हमारी घर में जो रॉ एलोवेरा जेल होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, एंड दुकान में जो रेडीमेड एलोवेरा जेल मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज़ किया है। एंड दूसरा जो हमें चाहिए वो है नींबू का रस, फिर 2 या 3 ड्रॉप्स नींबू का रस मैं इस एलोवेरा जेल में ऐड करने वाली हूँ। फिर इसे मिक्स करके, अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ इस तरह का एक पेस्ट बनेगा, देख सकते हो। फिर इसे मैं अपनी फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो ये मास्क बनाया है इसे हम फेस पे अप्लाई करके दिखाएंगे, जो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें पहले चाहिए एक ऐसा हेयर बैंड। इससे क्या होगा, ऐसे करके हम लोग अपनी फेस पे जो एक्स्ट्रा हेयर है उसे हटा लेंगे। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। पहले हमें जो है अपना फिंगर की मदद से हमें इसे अपने पूरा फेस पे लगाना है। और एक बात, मैंने जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में नहीं दिखाया, इसे लगाने से पहले ऑब्वियसली अपनी फेस अच्छी तरह से जरूर जरूर वॉश कर लेना। आप चाहे तो इसे अपने नेक पर भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा
अच्छी तरह से अपने फेस, अपने नेक एरिया पे से अप्लाई करना है। आपकी जो आई एरिया है उसे छोड़ देना है, लेकिन आप चाहे एक फिंगर से इसे ऐसे करके लगा सकते हो, लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही केयरफुली। फिर इसे आप लोगों को 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, 20 मिनट के लिए आप लोगों को सूखने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए 20 मिनट के बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी मुंह धो लिया है एंड आप लोग देख सकते हो पहले से मेरा जो स्किन है बहुत ही ज्यादा फेयर लग रहा है, थोड़ा सा लाइट भी लग रहा है। आप इसे डेली अपने घर पे यूज कर सकते हो। अपना जो फेस आप लोग धोने के बाद एक अच्छे से टॉवल लेके उसे जो ऊपर ऊपर से जो पानी होता है उसे ऐसे ऐसे करके पोंछ लेना है, रब नहीं करना, जस्ट ऊपर ऊपर से जो पानी है उसे अच्छी तरह से पोंछ लेने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर मत लगाना, कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें है एलोवेरा जेल जो खुद ही एक मॉइस्चराइजर का काम करता है एंड हमारी स्किन के लिए वो तो बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग जानते ही हो। तो इससे ये जो मास्क मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया उससे लगाने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, बस इस मास्क को लगाना है एंड ऐसे ही हमारी स्किन को छोड़ देना है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जो मास्क आप लोगों को बताया हूँ वो घर पे जरूर ट्राई करना आप लोग इसे डेली यूज कर सकते हो घर पे, लेकिन जिन लोगों के पास टाइम बहुत ही कम होता है वो हफ्ते में 2 या 3 बार इसे जरूर ट्राई करना। ये बहुत ही एक अच्छा सा फेस मास्क है एंड जो एलोवेरा है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों का ड्राई स्किन होता है उनके लिए एलोवेरा बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एलोवेरा क्या करता है हमारी स्किन को जो ड्राइनेस है उसे हटा के स्किन को ऑयली बना देता है, एक ग्लो ला देता है स्किन पे। एंड लेमन जो होता है, जिन लोगों का ऑयली स्किन है उसे, जो हमारी स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल है उसे लेमन हटा देता है, तो उसके वजह से हमारी स्किन में जो एक्नी वगैरह हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।